हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में देखिए आज है मिड वाइफरी का क्लास सेवन हम क्लास सिक्स तक कवर कर चुके हैं जो व्यक्ति क्लास सिक्स तक नहीं देखे हैं यदि न्यू स्टूडेंट है तो क्लास सिक्स तक जरूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जो क्लास वन लिए हैं हम मिड वाइफरी का उसमें लिंक दे दिए लिंक वहाँ दिया हुआ जहाँ आप कॉमेंट करते हैं वहाँ सबसे ऊपर में हम पिन कर दिए उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा वहाँ आपको फ्री पी और फ्री टेस्ट और फ्री क्लास आपको मिल जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा नहीं होता है यदि इसे जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन ए है एच बी एस्ट्रोजन पोजेस्ट्रोजोन और एल एच देखिए इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो एल एच हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये तीनों हार्मोन एस सी जी हार्मोन एस सी जी हारमोन देखिए इससे क्या होता है एस सीजी हारमोन के बारे में ये जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय इस मा इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है यदि कोई महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं सुबह का हम यूरिन लेते हैं और उस यूरिन में हम टेस्ट करते हैं एचसीजी की मात्रा चूँकि जो को, कोई यदि कोई महिला प्रेगनेंट हो गई है तो उसको एच की मात्रा यानी एच सी की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है और ये एच सी जी कहाँ से शर्वित होता है अपराइनी प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी अपरायनी प्लेसेंटा सर्वित।, सर्वित।, सर्वित था पोजेस्ट्रोन भी अपरायनी प्लेसेंटा से लेकिन एल एच हार्मोन कहाँ सर्वित होता है ये दीजिए ये प्यूटिटी सर्वित होता है और ये प्यूटिटी कहाँ पाया जाता है मस्तिष्क पाया जाता है जबकि ये तीनों हार्मोन अपराइन प्लेसेंटा सर्वित होता है ये कहाँ जाता है गर्भाशय में पाया जाता है देखिए दोनों का जगह भी बिल्कुल अलग अलग है ठीक है यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है यदि यहां पे एल एच हारमोन ना दे करके हम दे दें टेस्टोरन हारमोन ध्यान दीजिएगा उस कंडीशन में भी आंसर आपका टेस्टोरन हारमोन हो जाएगा यहां दो तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ जहां पे एक एल एच करके था और एक दूसरे जगह क्वेश्चन पूछा था तो वहां पर टेस्टोरन हारमोन था यदि टेस्टोरन भी ऑप्शन में दिया तो टेस्टोरॉन हार्मोन टेस्टिस से स्रवित होता है जो कि टेस्टिस किस में था? पाया था पुरुषों में पाया था महिलाओं में नहीं ठीक है तो टेस्टोरॉन हार्मोन भी दिया ऑप्शन डी में दे दिया तो समझ लीजिएगा टेस्टोरॉन हार्मोन आंसर हो जाएगा यानी टेस्टोरॉन हार्मोन प्लेसेंटा स्रवित नहीं होता है बाकी ये तीनों हार्मोन प्लेसेंटा स्रवित होता है यहाँ तो एल एच हारमोन दिया है तो इसका मतलब एल एच हारमोन भी प्लेसेंटा स्रवित नहीं होता है एल एच हारमोन कहाँ सर्वित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है मस्तिष्क में पाया जाता है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन कहता है कि नवजात शिशु के देखभाल के तत्व में शामिल है नवजात शिशु के देखभाल के लिए क्या क्या जरूरी है ठीक है ऑप्शन ए है शरीर के तापमान सामान बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि तापमान यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा बच्चे का आगे है नॉर्मल सलाइन द्वारा आँखों की सफाई ये भी बहुत जरूरी है विटामिन के का इंजेक्शन लगाना ये भी जरूरी है यानी उपरयुक्त क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर से एक बार पढ़ देते हैं नवजात शिशु की देखभाल के लिए तत्व क्या क्या शामिल होना चाहिए सामान्य तापमान बनाए रखना चाहिए नॉर्मल सलाइन द्वारा आंखों की सफाई करना चाहिए और इंजेक्शन विटामिन के का लगाना चाहिए ये तीनों ही नवजात शिशु के देखभाल तत्व में शामिल है आगे बढ़ते हैं आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण संकट के तत्व है देखिए भ्रूण संकट का तत्व मतलब क्या भ्रूण को प्रॉब्लम है भ्रूण को समस्या है ठीक है थे, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भ्रूण के हृदय की आवाज़ अनियमित यदि देखिए कि हृदय का यानी हार्टबीट आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा है कभी सुनाई दे रहा कभी नहीं सुनाई दे रहा समझ लीजिए बच्चे को प्रॉब्लम है वो बच्चे प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है यानी प्रॉब्लम हो सकता नहीं हो ही गया है यदि उसको हार्टबीट सही नियमित रूप से नहीं आ रहा है यानी वो भ्रूण संकट में चला गया है। आगे हृदय की दिल की आवाज़ देखिए हार्टबीट एक से कम नहीं होना चाहिए यदि एक से कम है तो समझ लीजिए बच्चा सही स्थिति में नहीं है देखिए हार्ट बीट यदि कम होता है तो आगे चलकर यदि बच्चा विकसित भी हो गया तो कोई ना कोई अंग जो उसका सही से डेवलप नहीं होता यानी बच्चा को कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं ठीक है ठेके? तो भ्रूण के दिल का आवाज़ कम से कम 120 से जो है कम नहीं होना चाहिए आगे आगे है मिकोनियम दाग शराब देखिए मिकोनियम दाग शराब क्या होता है ये समझ लीजिए देखिए हम ये बनाते हैं गर्भाशय ऐसे पिक्चर हम लेके चले जाते हैं पिक्चर अच्छा समझिएगा आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है गर्भाशय में है ठीक है ये जो जगह खाली रहता है इसमें इम्यूनिटिक तरल द्रव जो है बढ़ा रहता है यानी इम्यूटिक तरल द्रव जो है बढ़ा हुआ देख लीजिए ठीक है इम्यूनिटिक तरल द्रव, यानी या ये भी पूछता है कि बच्चे जो है गर्भ में किस द्रव में तैरते रहता है तो याद रखिए इम्यूनिटिक द्रव में ठीक है ये इम्यूनिटिक द्रव बढ़ा हुआ रहता है जब बच्चा लगभग डेवलप हो जाता है तो कभी कभी बच्चा में किसी तरह का समस्या होने की वजह से बच्चे जो ये इम्यूनिटिक द्रव में पोटी कर देता है यानी मल त्याग करता है मल त्याग करने से क्या होता है कि इसका जो कलर देख रहे हैं ये कलर इस तरह का नहीं रहता है सामान्यतः जो इम्यूनिटिक द्रव रहता है वो आमतौर पर साफ हल्का सा पीलापन पानी जैसा रहता है और पतला रहता है लेकिन यदि बच्चा पोटी कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाता है ठीक है रंग इसका जो है ना गड़बड़ होना शुरू हो जाता है यानी जब पोटी कर देगा तो हरे भूरे रंग का हो जाएगा ये प्रॉब्लम तो इसका मतलब है कि बच्चे क्या कर दिए बच्चे पोटी कर दिए अब ये पोटी जब कर देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं अभी तुरंत आपको बताएँ इसे क्या कहते हैं यदि जानते तो ठीक है इसे नहीं तो आप समझ लीजिए इसे ही मेकोनियम कहा जाता है अब ये मेकोनियम जब ये पोटी कर देता है ये किसी न किसी माध्यम से यदि किसी तरह से यह चला गया हट में तो समझ लिए बच्चा क्या हो गया प्रॉब्लम ग्रस्त हो जाता है ठीक है और ये हट में चला ही जाता है जब इसमें मिल जाता है तो ऑटोमेटिक किस में, में चला जाता है हट में और हट में चला जाता है फिर बच्चे में क्या हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है यानी तीनों आप ऑप्शन देख तो आप मेकोनियम भी समझ गए मेकोनियम क्या होता है जब बच्चे क्या करता है गर्भावस्था में ही यानी गर्भ में ही पोटी कर देता है और पोटी कर देने के बाद मेकोनियम जो है पोटी जब कर देता है तो इम्यूनिटिक तरल में वो मिल जाता है और वो जब मिल जाता है तो लंग के माध्यम से जब थी नाक के माध्यम से जब लंग्स में चला जाता है तो बच्चा क्या होता है बीमार हो जाता है यानी तीनों ही स्थिति आप देख रहे हैं कि भ्रूण संकट की स्थिति है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते देखिए किसी का आंसर यदि आप जानते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कहता भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहाँ से होता है हम आपको पहले भी बताए थे तो भ्रूण को भोजन की आपूर्ति प्लेसेंटा यानी अपरा से प्राप्त होता है ठीक है देखिए ये है गर्भाशय और यहाँ रहता है भ्रूण ठीक है और इधर रहता है आपका अपरा प्लेसेंटा ठीक है यदि अपरा प्लेसेंटा नीचे हो जाएगा तो अपरा पिर्भिया हो जाएगा ध्यान रखिएगा प्लेसेंटा पिर्भिया होता है नीचे नहीं रहता सामान्यतः ऊपर रहता है यहीं से भ्रूण को भोजन एक गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होते रहता है ठीक है यहाँ दो क्वेश्चन बनता है कि भ्रूण को भोजन कहां से प्राप्त होता है तो से भ्रूण को किस माध्यम से प्राप्त होता है तो याद रखिए गर्भनाल के माध्यम से देखिए गर्भनाल में भ्रूण का पोषण तैयार नहीं होता है ध्यान रखिएगा एक माध्यम है बच्चे को भोजन देने का ध्यान रखिएगा ठीक है तो दोनों क्वेश्चन क्लियर रखिएगा कह भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहां से होता है मारिएगा प्लेसेंटा से और यदि पूछ ले भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में मारिएगा गर्भनाल गर्भनाल नाल के माध्यम से जो है प्राप्त होता है आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या हो कि को कहां पाए है? तो जाते हैं देखिए है, अंडाशय में, में जो ग्राफियन पाया जाता है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है अब थोड़ा सा इसे पिक्चर के रूप में देख लीजिए देखिए ये हम अंडाशय ले लिए हैं ठीक है अंडाशय में देखिए दो पाठ मुख्य रूप से होता है ये जो आंतरिक पार्ट होता है ये अंदर वाला पार्ट देख लीजिए इसे मेडुला कहते हैं और ये जो साइड साइड खाली आप देख रहे हैं इसे कॉर्टेक्स कहते हैं इसी में देखिए कि फॉलिक छोटे छोटे फॉलिक पाए जाते हैं ग्राफिक फॉलिक ग्राफियन फॉलिक ये देख देख रहे हैं आप छोटे छोटे ये होता है आपका ग्रोफियन फॉलिक तो आपसे सवाल में पूछा गया कि ग्राफियन फॉलिक्स कहाँ पाए जाते हैं ऑप्शन में, में मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों दिया हुआ था आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है तो इसका आंसर क्या मारिएगा आप कॉर्टेक्स मारिएगा ठीक है चलते हम तो आप पिक्चर के माध्यम से समझ गए कि कहाँ पाए जाते हैं अंडासे में ग्राफियन अंडासे में ग्राफियन कहाँ पाए जाते हैं तो क्या मारिएगा कॉर्टेक्स देख लेते बीच में मोड्यूला था और साइड में कॉर्टेक्स था उसी में जो है ग्राफियन छोटे छोटे फॉलिकल पाए जा रहे थे ठीक है आगे जाते हैं आगे क्वेश्चन है का पीएच कितना होना देखिए का पीएच जो है एट से फोर पॉइंट फाइव तक होना चाहिए ठीक है योनिका का पीएच क्या है थ्री पॉइंट एट से लेकर के फोर पॉइंट फाइव तक ये याद रखिएगा जनरली क्या होता है याद रखने लायक क्वेश्चन है आगे है संभोग के दौरान लुब्रिकेंट का सराव करता है देखिए यह है आपका हम यूनिक पिक्चर बनाते हैं ये देखिए ठीक है ये है आपका योनि द्वार ठीक है ये योनि योनि के दोनों साइड में जो है बर्थोलिन ग्रंथि पाया जाता है इस बर्थोलिन ग्रंथि का काम क्या होता है कि इसमें एक तरल पदार्थ जो श्रर्वित करते रहता है जब शर्वित करते रहता है तो इससे क्या होता है योनी जो है आपका नम यानी नम यानी चिपचिपा बना हुआ रहता है ठीक है तो वही कहता है संभोग के दौरान लुब्रिकेंट का स्राव करता है यानी संभोग के दौरान जो लुब्रिकेंट का स्राव यानी चिपचिपा पदार्थ जो स्राव करता है यानी नम बनाए रखने के लिए वो बर्थोलिन ग्रंथि करता है बर्थुलिन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है योनी के दोनों साइड में पाए जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे है नवजात शिशु में सिर का सामान्य परिधि कितना होता है देखिए नवजात शिशु में सिर का जो सामान्य परिधि होता है वो आपका जो है तैंतीस से पैंतीस सेंटीमीटर तक होता है ठीक है नवजात शिशु में जो सामान्यतः सिर की परिधि होता है वो तैंतीस से लेकर के पैंतीस सेंटीमीटर तक याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये सब क्वेश्चन आपको याद करने वाला है आगे है माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है देखिए जो माँ का जो पहला दूध यानी बच्चे जन्म देने के बाद जो पहला दूध होता है वो गाढ़ा पीला रंग होता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल जो है भरे पोषक तत्वों से भरे हुए रहते हैं ठीक है जो कोलेस्ट्रोल पे जाता है इसे यदि माँ बच्चे को पिला दे समझ लीजिए बच्चे के लिए नेचुरल टीका हो गया इन पहला टीका जो माँ का पहला दूध उसे मिला समझ लीजिए उसका बच्चे के लिए पहला टीका हो गया इसे तरल गोल्ड भी कहा जाता है तरल सोना भी कहता है इसे बच्चे के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है एंटीबॉडी माना एंटीबॉडी एकदम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं यानी किसी तरह से भी आपको बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होने देगा यानी रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर में ऑटोमेटिक जो है ये डेवलप कर देता है यानी माँ का पहला दूध जो होता है गाढ़ा पिला कोलेस्ट्रॉल होता है जो पोषक तत्वों तो से भरा होता है बच्चे के लिए ये नेचुरल टीका यानी पहला टीका ही होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ध्यान दीजिएगा नवजात शिशु शरी के शरीर का सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए देखिए प्रोत्साहित करना क्या चाहिए सके ऑप्शन ए में है माँ के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क ऑटोमेटिक है माँ के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क में रहेगा तो बच्चे के तापमान टेम्परेचर क्या रहेगा एकदम बिल्कुल बना रहेगा तो कहता है नवजात शिशु के शरीर शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए तो माँ के साथ त्वचा के ठीक है तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा और आप लोग बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं सभी लोग देखते हैं जितना देखते हैं लगभग लग सारे स्टूडेंट लाइक करके जाते हैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद